साथ में ये रिश्वत भी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ये भी है, ये रिश्वत मिली है, ये रहा सॉरी लेटर, और अभी तो रुको, और ये मेरी पेंटिंग, और ये मेरी पेंटिंग, जो लोग बोल रहे थे फेस रिवील करो फेस रिवील करो, ये लो। चीटिंग 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 करता है तू। ये मेरी फोटो है, मैं ऐसी दिखती हूँ। ठीक है, मैंने माफ कर दिया, इट्स ओके फाइन, अब मैं अपना खुलकर एंजॉय करती हूँ ड्रामा के साथ। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था, आपका नीट का पेपर हो चुका है, अब आप क्या करने वाले हो, ड्रॉप लोगे, बीएससी करोगे या बीएएमएस में एडमिशन लोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। आज मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती हूँ कि मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था और उनका क्या कहना है। जब मैंने उन्हें बताया कि मतलब 440 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी कि आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने यही कहा कि मेरे को आप बीएससी में डाल लोगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दूसरा ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप तो मेरा मतलब बहुत से दूसरे रीजंस के कारण हुआ था, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड ड्रॉप में मैंने पढ़ाई की थी, फिर बीच में छोड़ दी थी, फिर लास्ट में फिर पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसलिए मेरे कम मार्क्स आए हैं। खैर वो पुरानी बात है, छोड़ो। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप बोलोगे बीएससी में एडमिशन तो मैं ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आप बोलोगे जिसमें एडमिशन लेने के लिए मैं ले लूँगी, पर मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी, और जिस दिन मेरा नीट में सिलेक्शन होगा तो उस दिन मैं जो भी कोर्स कर रही हूँ उसको छोड़ दूँगी बीच में, क्योंकि यार मेरा ऑलरेडी ये दूसरा ड्रॉप था, तो रिश्तेदार भी चार बातें बोलते हैं, आसपास के लोग चार बातें बोलते हैं। तो मेरे घर वालों ने मुझे एक ही बात बोली कि अगर एट दी एंड MBBS ही करना है, वही करने का इरादा है, तो फिर चाहे एक साल लगे चाहे दो साल लगे, उस चीज़ पर ध्यान दो, अपना फोकस डाइवर्ट मत करो। तो मुझे मेरे घर वालों ने यही कहा है कि हम एक और मौका दे रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस ड्रॉप में नहीं निकला तो वो मुझे एक और ड्रॉप लेने का मौका दे देंगे, हालांकि मैं उतना लंबा नहीं जाऊँगी, मतलब उतना या चार पांच ड्रॉप थोड़ी लूँगी। तो उन्होंने मुझे घर वालों ने कहा कि मुझे एक और ड्रॉप लेने का मौका दे रहे हैं, वो बोले कि आराम से प्रिपेयर करो, कोई टेंशन नहीं, हम लोग कोई फोर्स नहीं कर रहे, मतलब मेरी फैमिली सपोर्टिव है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। मैंने उनको ये भी बताया कि मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं करूँगी, मुझे PW का एक बैच लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब भी बैच स्टार्ट होगा तो ले लेना। तो मैं इस नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन यकीन 2.0 से करूँगी। उसमें सारे टीचर्स ही अच्छे हैं, PW के तो सारे टीचर्स अच्छे हैं। और कोई ये पूछेगा कि इस बार बायोमेंटर्स क्यों नहीं, तो देखो बायोमेंटर्स का मेरा ज्वाइन करने का मेन मोटिव ये था, मैंने जब पहली बार गीतेंद्र सर से एक लेक्चर देखा था ना, उसके बाद मैं सर की फ़ैन हो गई थी, और मेरा बायोलॉजी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस सिली मिस्टेक्स के कारण पर मेरे बायोलॉजी में कम नंबर आए हैं, वरना मेरे बायोलॉजी सच्ची बताऊँ मेरा बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो ऐसा है कि मैं कुछ सिर्फ रिविजन करना है बायोलॉजी में, कुछ एक दो चैप्टर जिसमें ध्यान देना है, बाकी तो सारे मेरे बायोलॉजी के चैप्टर प्रिपेयर है, तो सिर्फ उस चीज़ के लिए। और मैं PW इसलिए ज्वाइन करूँ कि PW के सारे टीचर्स अच्छे हैं, मेरे को स्पेशली फिजिक्स MR सर से पढ़नी थी, क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, तो बेटर होगा कि मैं MR स्टार लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। और हाँ, कोई ये मत बोलना पहले बायोमेंटर्स अब फिर PW, ऐसा नहीं है, दोनों इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोलो दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों में टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज़ कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है इस वक्त, इसलिए मैं इस बार PW से स्टार्ट करूँगी और स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी। हाँ, डेली व्लॉग्स आएंगे, अगर व्लॉग्स नहीं है तो हो सकता है कभी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर लूँ, बट मैं लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन है बट वो ख़राब है, मतलब उसका कैमरा अच्छा नहीं है। और क्या है ना कि पूरे टाइम फ़ोन को लाइव स्ट्रीम में रखना, फ़ोन भी ख़राब होगा, फिर उसके बाद मैं भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे पूरे टाइम तो वो फ़ोन देगा नहीं, बीच बीच में शूट करने के लिए दे देता है। तो इसलिए यही रीज़न है कि मैं व्लॉग्स करती हूँ और लाइव स्ट्रीम नहीं करती हूँ। व्लॉग्स तो डेली आएंगे, हो सकता है कभी बीच बीच में एक आध बार रह जाए व्लॉग्स ना आ पाए, बट व्लॉग्स डेली आएंगे। तो मैंने बता दिया कि मैं थर्ड ड्रॉप लेने वाली हूँ, PW से यकीन बैच से स्टार्ट करूँगी। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में क्या किया है, उनको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी थी पहले ही, बट वो बहुत पुरानी, तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब सारे कोर्सेज के एडमिशन चल रहे थे नॉर्मल कॉलेजेस में, तब मेरे घर में सबको कोविड हो गया था इंक्लूडिंग में, तो कम से कम एक डेढ़ महीना से ज़्यादा हम सब कोई आइसोलेशन में थे, और उसके बाद भी सबको बहुत ज़्यादा सीवियर कोविड हो गया था। तो हमने किसी हमें ना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया था। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो मैंने बिना प्रिपरेशन के ही फर्स्ट ड्रॉप में जो भी दिया था पेपर आया था। फिर सेकंड ड्रॉप में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी, बीच में फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान तो फिर छोड़ ही देता है, तो मैंने छोड़ दी थी बीच में। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब में लास्ट के 3 महीने मैंने पढ़ाई की और उसी से मेरे 400 प्लस नंबर आ रहे हैं इस बार।
और देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत से अलग अलग लोग आते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे कि ऐसा वैसा नहीं पढ़ रहे हो ऐसा वैसा कुछ भी, मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है और मुझे मेरी फैमिली से मतलब है और जो लोग मुझे सपोर्ट करें उनसे मतलब है। और किसी के बोलने ना बोलने से यार हम अपना जो ड्रीम है जो हमने सोचा उसको थोड़ी छोड़ देंगे। जिनका पेपर अच्छा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अच्छा पेपर गया तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्ट हो गई आप लोग इस बार। और जिनका नहीं हुआ है मेरी जैसी हालत है या फिर कोई बाउंड्री पे आकर रुक गया है, डोंट वरी फिर से ट्राई करते हैं। और जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं अगर सबकी फैमिली सपोर्ट करे तो फिर से ट्राई करो, बट छोड़ो मत ठीक है, क्योंकि एक बार सिलेक्ट हो जाओ तो आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कितने अटैम्प्ट दिए, आप कितने गधे थे, आपका दिमाग कितना कम चलता था, कोई नहीं पूछेगा। यही सोच के मैं भी वापस से प्रिपेयर कर रही हूँ, रिश्तेदार फ्रेंड्स और वगैरह वगैरह लोगों के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं पर मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अच्छा ये बताओ आप लोगों में से किसी ने ये वाला ड्रामा देखा है क्या? वैसे ये अभी अभी ऑन एयर हुआ है थोड़ा टाइम पहले ही, ज़्यादा इसके सारे एपिसोड्स फ्री में अवेलेबल भी नहीं है वीकी पे। और मैं वैसे भी सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल ड्रामाज ही देखती हूँ, मेरे को मॉडर्न ड्रामास पसंद नहीं आते पता नहीं क्यों, मैं हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामाज ही देखती हूँ जनरली। एंड अब कल से इसको भी बंद कर दूँगी, भले कितना भी कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो अब मैं ड्रामा नहीं देखने वाली, क्योंकि इसको देखो ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मतलब मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो ड्रामा ही है, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं देखूँगी। कल के व्लॉग के लिए सॉरी, थोड़ा सा मैंने क्रिंज व्लॉग बना दिया था बट इट्स फाइन, हर चीज़ अच्छी थोड़ी बनेगी यार। और मैंने वैसे भाई को बोला था कि अच्छा नहीं होगा तो डिलीट कर देना, पर उसने अपलोड कर दिया, खैर छोड़ो। और ये देखो मुझे एक अजीब और गरीब मच्छर दिखा था यार, आजकल ना बहुत अजीब अजीब से मच्छर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कीड़ा है पर ये असल में मच्छर है। और पता है कल मैंने व्लॉग्स में, कल का जो व्लॉग था सॉरी, उसमें मैंने चार बार कमेंट सेक्शन को ऑन किया, वो बार बार ऑफ हो जाता था, मैंने ऑन किया फिर वो ऑफ हो जाता, भाई ने भी चार बार ऑन किया उसका भी ऑफ हो गया, फिर मैं सोच रही थी या तो डिलीट कर दो या तो रहने दो, तो फिर मैंने रहने दिया। और क्या बोलूँ हाँ देखो 2023 तो हो गया, अब जो हुआ सो हुआ, आगे जो मैं प्रिपेयर करूँगी उसमें आप लोग सब मेरे साथ रहना, मैं भी पढ़ाई करूँगी आप भी पढ़ाई करना, जिसने जैसी मेहनत की होगी उसको उस हिसाब से नंबर भी मिल जाएगा। चलो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, ड्रॉप लूँगी, PW से पढ़ूँगी, आप लोगों का क्या नेक्स्ट प्लान है? ड्रॉप ले रहे हो, किसी चीज़ में एडमिशन ले रहे हो या फिर आपका सिलेक्शन हो गया है? ज़रूर बताना। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनो सुनो सुनो, जिनका सिलेक्शन हो गया ना अच्छे मार्क्स से, वो बीच बीच में मेरे चैनल को विजिट करते रहना, ताकि जो मेरी सिली मिस्टेक्स होगी स्टडीज़ में वो आप लोग पॉइंट आउट करो और मैं उस चीज़ से इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए यार, थोड़ा भला कर देना इंसान का। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी अ स्टडी व्लॉग और डेली लाइफ व्लॉग, वॉट एवर जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, जय माता दी।